एसीएल सर्जरी के बाद घुटने में दर्द क्यों डेवलप हो जाता है और उसको कैसे ठीक करें दोस्तों? ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मेरे बहुत सारे एसीएल के पेशेंट पूछते रहते हैं कि सर हमारा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ अच्छा है, मुझे लचक भी नहीं आ रही, मैं भाग पा रहा हूं, पर फिर भी मेरे घुटने में दर्द है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या तरीका है उसको बिल्कुल ठीक करने? तो दोस्तों सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा होता क्यों। मेरा नाम है डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूं, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। पहले समझते हैं दोस्तों कि आखिर पेन डेवलप क्यों जाता है एसीएल सर्जरी के बाद। एसीएल की जब चोट लगती है तो घुटने में दर्द होता है, सूजन आती है और आदमी उस घुटने को यूज करना थोड़ा कम कर देता है और साथ में एसीएल हमारा टूट भी गया, इस कारण से हमारी जो थाई की मसल्स है, जो लेग की मसल्स है, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। खासतौर से एक पर्टिकुलर मसल वीएमओ वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, ये भी वीक हो जाती है, जो कि एक क्वाड्रिसेप्स का। इस वीक मसल्स के साथ अब पेशेंट ने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन इटसेल्फ इज ए ट्रॉमा टू द नी, तो हमारी मसल्स और वीक हो जाती है क्योंकि हमें ऑपरेशन के बाद कुछ दिन का रेस्ट लेना है, ब्रेस लगाना है, धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज हम कर नहीं पाते हैं। तो ये दो कंडीशन हमारे एक वीएमओ वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस मसल है उसको वीक कर देती है। उसको वीक होने के कारण उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है दोस्तों कि वो पटेला को उठा के रखता है फीमर के सरफेस में। तो जब ये मसल वीक हो जाती है तो हमारा जो पटेला है वो फीमर से टकराता है और उसके जो पटेला के जो अंडर सरफेस का कार्टिलेज है वो हमारा धीरे धीरे दुखने लगता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि एसीएल सर्जरी के बाद नी पेन क्यों डेवलप होता है। ये नहीं हो दोस्तों, इसके लिए जो एसीएल सर्जरी का प्रोटोकॉल बनता है उसके अंदर हम खास तौर से ध्यान देते हैं कि हम क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, जिसमें क्वाड्रिसेप्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है, वो एक्सरसाइजेस तब तक नहीं कराएं जब तक कि पेशेंट की वीएमओ एक्टिवेशन नहीं हो। सो इनिशियल रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर वीएमओ एक्टिवेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जब वीएमओ एक्टिवेटेड हो जाती है उसके बाद ही हम एग्रेसिव क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन और क्वाड्रिसेप्स की एग्रेसिव एक्सरसाइजेस इनिशिएट कराते हैं। अगर ये नहीं कराया गया तो क्वाड्रिसेप्स आपके पटेला को फीमर से ज्यादा कांटेक्ट में लाएगी और ज्यादा डैमेज बढ़ेगा। दूसरा, एक पर्टिकुलर तरह की नी स्लीव्स पेशेंट को दी जाती है एक्सरसाइजेस के दौरान, जिसके अंदर सिलिकॉन की रिंग होती है, जिनोमेडी आप यूज कर सकते हैं। ये सिलिकॉन की रिंग आपके पटेला को अपलिफ्ट करके रखती है ताकि जब आप एक्सरसाइजेस करें तो वो एक वीएमओ की तरह काम करती है और आपके कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाती है, पटेलो फीमोरल कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाती है। सो बेसिकली आपको नी स्लीव पहननी है, आपको अपना वीएमओ एक्टिवेशन करना है और उसके बाद आपको वीएमओ स्ट्रेंथनिंग करनी है। अब ये मसल्स एसीएल सर्जरी के कारण वीक हुई है, एसीएल टीयर के कारण वीक हुई है, इसलिए इसको रिहेबिलिटेशन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये रेगुलरली कर रहे हैं आपकी एसीएल सर्जरी के अगले ही दिन से, तो आपको नी पेन नहीं डेवलप होगा। और अगर आपको नी पेन डेवलप हो गया है तो भी एक्सरसाइजेस करने से धीरे धीरे नी पेन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में लचक आ रही है, कट कट की आवाज आ रही है, दर्द हो रहा है, या आपकी एमआरआई में एसीएल पीसीएल एलसीएल किसी भी तरह की इंजरी है, आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और मैं पर्सनली उसको देख के बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपकी एसीएल के लिए। बहुत सारे एसीएल टेयर हम बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। अगर हम सर्जरी करते भी हैं तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की सर्जरी से बहुत जल्दी और अच्छी रिकवरी आती है। नीचे वीडियोस के लिंक हमने दे रखे हैं हमारे और बहुत सारे एसीएल वीडियोस के बारे में, आखिर क्यों एसीएल टूटता है, कौन सी बेस्ट सर्जरी है, कैसे हम बिना सर्जरी के एसीएल ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम बना रहे हैं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में आते हैं।